नेशनल सिल्क एक्सपो में, जो कि मेरे साथ हैं जयेश जी। और ये बहुत ही प्यारा एग्जीबिशन है, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी साड़ियां हैं। यहाँ पे हर जगह से लोग आए हैं और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं कि मैं देखकर बहुत ही खुश हो गई और बहुत अच्छा लगा मुझे। जयेश जी, थैंक यू सो मच। और सबका थैंक यू मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस दिखाए, और बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एक भारतीय हूँ, तो मुझे देखा जाए तो भारतीय कॉस्ट्यूम जो होते हैं, इंडियन वेयर्स, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये साड़ियाँ तो मेरी फेवरेट हैं, और ये सिल्क की साड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। और ये बनारस की साड़ी है और काफ़ी अच्छी है। ऐसे तो होता क्या है, शॉप पे हम जाते हैं और एक एक शॉप पे जाके हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन कहीं पे एग्जीबिशन है, एक्सपो है, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हमें मिल जाती है। वैरायटीज़ एक ही जगह पे अगर मिल जाए और आपकी पसंदीदा चीज़ आप इजीली परचेज़ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्सपो के थ्रू हम जो है कि काफ़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं और व्यूअर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि परचेज़ में ईजी रहेगा सब कुछ। थैंक यू। नेशनल सिल्क एक्सपो का आज उद्घाटन हुआ है, और ये एक्सपो 6 दिन चलेगा, 1 तारीख से 6 तारीख तक, सत्यसाई निगम श्रीनगर कॉलोनी में। इस एक्सपो में पूरे देश के व्यूअर्स आए हुए हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन 6 दिन के लिए करेंगे। आगे हैदराबाद में वेडिंग सीजन है और बोनालू फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उसके लिए हमारे व्यूअर्स लोगों ने बहुत पहले से तैयारी किया है। बहुत अच्छा कलेक्शन है और बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कस्टमर के लिए डायरेक्ट व्यूअर से बात करने के लिए एक ही जगह पे कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक के प्रोडक्ट यहाँ पर हमने मंगाए हैं। तो एक बार मैं हैदराबाद वासियों से अनुरोध करूँगा कि एक बार वो यहाँ पर आएँ और कारीगरों की कला को देखें और उनका मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।